नमस्कार साथियों, चलिए तो हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। आपको बता दें, क्योंकि कंप्यूटर हर परीक्षा में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर से, तो इसमें देखते हैं हम लोग इन लेक्चरों में जितने भी आएंगे कंप्यूटर से संबंधित होंगे, सब कंप्यूटर का परिचय देखेंगे। तो हम सब लोग शुरू करते हैं कंप्यूटर का परिचय। परिचय, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अतः कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करने वाला। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो गणनाएं करती है या गणनाएं करने में हमारी सहायता करती है। हालांकि आजकल कंप्यूटरों का जो रूप विचलित है और उनका जो उपयोग किया जाता है उसमें गणना करना अर्थात जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना आदि गणितीय क्रियाएं करना, तो उसके द्वारा किए जाने वाले बहुत से कार्यों का एक छोटा सा भाग मात्र है। लेकिन प्रारंभ में कंप्यूटर की कल्पना और विकास एक ऐसे यंत्र के रूप में की गई थी जो तेज गति से गणनाएं कर सके। बाद में इसकी विलक्षण क्षमताओं और विशेषताओं को देखकर इसका प्रयोग बहुत से कार्यों में किया जाने लगा, परंतु इसका नाम कंप्यूटर ही प्रचलित और रूढ़ हो गया। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित रूप में प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यह डाटा के भंडारण तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है जो इसके अर्थ को और भी अधिक व्यापक बना देते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से अक्षरों से बना है। सी कॉमनली, ओ ऑपरेटेड, एम मशीन, पी पर्टिकुलरली, यू यूज फॉर, टी टेक्निकल, ई एजुकेशन एंड आर रिसर्च। तो रिसर्च ये कह लीजिए कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यही सब है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। ठीक है, आपको याद रखना। अब बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। कंप्यूटर के विकास का विस्तृत वर्णन निम्न तालिका में दर्शाया गया है। आविष्कार, इसके आविष्कारक, समय और विशेषताएं। ठीक है, तो अभी कस इसके आविष्कारक थे ली काई चेन, ये चीन के थे 16वीं शताब्दी में। ठीक है, सबसे पहला एवं सरल यंत्र था अबेकस। लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता था जिसके अंदर तारों का एक फ्रैग लगा होता है। छेदित तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। नेपियर्स बॉन्स, जॉन नेपियर, स्कॉटलैंड, 1617 ईस्वी में। ये जानवरों की हड्डियों से बना आयताकार पट्टिका होती थी। याद रखिए अबेकस के आविष्कारक कौन थे, ली काई चीन चेन, ये चीन के थे 16वीं शताब्दी में हुआ। नेपियर्स ये बोथ इसके आविष्कारक थे, जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के थे 1617 में। ठीक, 10 आयताकार पट्टियों वाले 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते थे कि पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंकों के पास आ जाते थे। गणनाओं के लिए उपयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी को रैपिडो लोगिया कहते थे। फिर स्लाइड रूल, इसके आविष्कारक हैं विलियम ऑट रेड, ये जर्मनी के हैं, 1620 में किया। इसमें दो विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियां होती थी जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे करके लघुगणक की क्रियाएं संपन्न होती थी। पट्टियों पर चिन्ह इस प्रकार होते थे कि किसी संख्या के शून्य वाले चिन्ह से वास्तविक दूरी उस संख्या के किसी साझा आधार पर लघुगणक के समानुपाती होती थी। फिर आया पास पास्क लाइन, इसके
आविष्कारक थे ब्लेज पास्कल, फ्रांस के थे, 1642 में आया, ठीक है। यह प्रथम मैकेनिकल एडिटिंग मशीन थी। यह मशीन ऑडोमीटर एवं गाड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इस मशीन में कई चक्कर और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाले डायलर होते थे, जिन पर 0 से 9 तक संख्याएं अंकित होती थी। फिर आया लेबनीज या यांत्रिक कैलकुलेटर, तो इसके आविष्कारक थे गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज, जर्मनी के थे, 1671 में आया। इस मशीन को लेबनीज की रिकॉर्डिंग मशीन भी कहा जाता है। फिर आया जैक कॉर्ड्स लूम, इसके आविष्कारक थे जोसेफ मैरी जेकार्ड, फ्रांस के, 1801 में। यह एक ऐसी सुनाई मशीन थी, बुनाई मशीन थी, जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। यह एक मैकेनिकल लूम था, ठीक है। फिर आया डिफरेंस इंजन, इसके आविष्कारक थे चार्ल्स बेबेज, इंग्लैंड के थे, 1822 में। इस मशीन में सॉफ्ट एवं गियर लगे होते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी। फिर आया एनालिटिकल इंजन, इसके आविष्कारक थे चार्ल्स बेबेज, इंग्लैंड के जेवी थे, यही थे, 1833 में। इस मशीन के 5 मुख्य भाग होते थे, इनपुट यूनिट, स्टोर, मिल, कंट्रोल और आउटपुट। इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआती प्रारूप माना जाता है। यह एक मैकेनिकल मशीन है। फिर है हमारे ट्यूबुलेटिंग मशीन, हरमन होलीरथ अमेरिका के थे, 1889 में आए। इसकी संख्या पढ़ने का कार्य छिद्र किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था। 1896 में होलोरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, जो पंच कार्ड यंत्र का उत्पादन करती थी। 1924 में इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM कर दिया गया, ठीक। फिर आया मार्क फर्स्ट, ये इसके आविष्कारक थे हावर्ड आइकन, अमेरिका के थे, 1944 में, ठीक है। यह विश्व का प्रथम स्वचालित विद्युत यंत्र की गणना यंत्र था। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे गियर्स, काउंटर, स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। डाटा मैनुअल रूप से इंटर किया जाता था। भंडारण के लिए मैग्नेटिक ड्रम प्रयोग किया जाता था। फिर आया एनियक, इसके आविष्कारक थे जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली, अमेरिका के थे, ठीक, 1946 में आया। यह 20 अकामोलेटर्स का एक संयोजन और 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी इसमें। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था, एनियक, ठीक है, याद रखिए। एडसेक मैरिस वेलकस थे इसके आविष्कारक, यूके के, 1949 में आया। यह पहला प्रोग्राम संगत डिजिटल कंप्यूटर था। यह बर्गों के पहाड़ों की भी गणना कर सकता था। यह मरकरी डिले लाइनस का प्रयोग, मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए करता था। फिर बात करते हैं एडवेक, जॉन वॉन न्यूमैन, अमेरिका के हैं, इन्होंने इसकी आविष्कार किया 1950 में। यह 30 टन बड़ा, 150 150 फीट चौड़ा कंप्यूटर था। फिर आया यूनिवेक, जेके प्रेस्फर, एकर्ट और जॉन मोचली, अमेरिका के थे, 1991 ईस्वी में। यह इनपुट व आउटपुट की समस्याओं को अति शीघ्र हल करता था। यह सामान्यतः उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था। यह सर्वाधिक और शाब्दिक दोनों प्रकार से के डाटा को संसाधित करता था। तो याद रखना है, प्रथम इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था ये, जे यूनिवेब, जे पेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली इसके आविष्कारक थे। अब कंप्यूटर की आप लोगों को कुछ विशेषताएं बता दें। कंप्यूटर की विशेषताएं, गति, कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। किसी मनुष्य द्वारा पूरे वर्ष में किए जाने वाले कार्यों को कंप्यूटर कुछ ही सेकेंड में कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज में मापते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर में नैनो सेकेंड
मैं गणनाएं कर सकता है, मैं तेज पढ़ रहा हूँ, तेज बता रहा हूँ। अगर आप स्लो, वैसे भी इसमें यूट्यूब में एक अच्छी खासियत है कि स्लो भी कर सकते हैं इसकी आवाज़ को और बढ़ा भी सकते हैं, मतलब स्पीड को, तो आप बढ़ा लें या कमा लें जैसी बात आपको लगे, लेकिन मैं ऐसा थोड़े जल्दी खत्म करने के विचार में। ठीक, फिर है शौचालय, इसकी विशेषता एक गति हो गई, फिर शौचालय। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिससे मैं गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य रहती है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के निर्देश मनुष्य द्वारा दिए ही दिए जाते हैं, पर एक बार आदेश दिए जाने के बाद वह बिना रुके कार्य कर सकता है। त्रुटि रहित कार्य, कंप्यूटर की गणनाएं लगभग त्रुटि रहित होती हैं। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डाटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। फिर यदि डाटा प्रोग्राम सही है तो कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम ही देता है, कभी कभी वायरस के कारण ही कंप्यूटर में त्रुटियां आती हैं। फिर स्थायी भंडारण क्षमता, कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी को डाटा, सूचना और निर्देशों के स्थायी भंडारण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में सूचना इलेक्ट्रॉनिक ढंग से संग्रहित की जाती है, अतः सूचना के समाप्त होने की संभावना नगण्य रहती है। फिर है गोपनीयता, कंप्यूटर में पासवर्ड के प्रयोग द्वारा किसी भी कार्य को गोपनीयता बनाए रखा जा सकता है। पासवर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में रखे डाटा और कार्यक्रमों को केवल पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही देख या बदल सकता है। पुनरावृत्ति, कंप्यूटर को निर्देश देकर एक ही कई तरह के कार्य बार बार समान विश्वसनीयता और तीव्रता से कराए जा सकते हैं। कंप्यूटर जल्द निर्णय लेने की क्षमता, कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण कर पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय की क्षमता रखता है। कार्य की एकरूपता, बार बार तथा लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद कंप्यूटर के कार्य की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, कंप्यूटर द्वारा कुछ ही सेकंड में भंडारित सूचना में से आवश्यक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम के प्रयोग से यह काम और भी सरल हो गया। विशाल भंडारण क्षमता, कंप्यूटर के बाह्य तथा आंतरिक संग्रहण माध्यम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम में असीमित डाटा और सूचनाओं का संग्रहित किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर के सामान्य अनुपयोग। सूचनाओं का आदान प्रदान, भंडारण की विभिन्न पद्धतियों के विकास और कम स्थान घेरने के कारण ये सूचनाओं के आदान प्रदान के बेहतर माध्यम को साबित हो रहे हैं। इंटरनेट के विकास ने इसे सूचना का राजमार्ग बना दिया। वैज्ञानिक अनुसंधान, विज्ञान के अनेक जटिल रहस्यों को सुलझाने में कंप्यूटर की सहायता ली जा सक रही है। कंप्यूटर में परिस्थितियों का उचित आकलन भी संभव हो पाता है। शिक्षा, फिर कंप्यूटर आधारित शिक्षा एवं मल्टीमीडिया के विकास ने इसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बना दिया। रेलवे और वायुयान आरक्षण, कंप्यूटर की सहायता से किसी भी स्थान से अन्य स्थानों के रेलवे और वायुयान के टिकट लिए जा सकते हैं, तथा इसमें गलती की संभावना भी नगण्य होती है। फिर डाटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर का प्रयोग बड़े और विशाल सांख्यिकी डाटा से सूचना तैयार करने के लिए किया जा रहा है। जनगणना, सांख्यिकी विश्लेषण आदि में इसका प्रयोग किया जा रहा है। चिकित्सा, चिकित्सा शरीर के अंदर के रोगों का पता लगाने, उसके विश्लेषण और निदान में कंप्यूटर का विस्तृत प्रयोग किया जा रहा है। सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, आंखों की जांच इत्यादि से कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। बैंक, कंप्यूटर के अनुपयोग से बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति ला दी। एटीएम और तथा ऑनलाइन बैंकिंग, चेक के भुगतान, रुपये गिनना तथा पासबुक इंटी में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। प्रकाशन और छपाई में कंप्यूटर का प्रयोग इसे सुविधाजनक तथा आकर्षक बनाता है। रेखाचित्र और ग्राफ का निर्माण अब सुविधाजनक हो गया है। प्रशासन में पारदर्शिता लाने, सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने तथा विभिन्न प्रशासनिक तंत्रों में बेहतर तालमेल के लिए ई प्रशासन का उपयोग कंप्यूटर की सहायता से संभव हो पाया है। फिर है डिजिटल पुस्तकालय, पुस्तकों को अंकीय रूप स्वरूप प्रदान कर उन्हें अत्यंत कम स्थान में अधिक समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे इंटरनेट से जोड़ देने पर किसी भी स्थान से पुस्तकालय में संग्रहित सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। उद्योग व व्यापार, उद्योग में कंप्यूटर के प्रयोग से बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन संभव हो पाया है। व्यापार में कार्यों और स्टॉक का लेखा जोखा रखने में कंप्यूटर सहयोगी सिद्ध हुआ है।
अरे मनोरंजन, सिनेमा टेलीविजन के कार्यक्रम वीडियो गेम में कंप्यूटर का उपयोग प्रभावी मनोरंजन प्रस्तुत किया जा रहा है। मल्टीमीडिया के प्रयोग से ने कंप्यूटर को मनोरंजन का उत्तम साधन बना दिया। रक्षा अनुसंधान, वायु नियंत्रण, मिसाइल रडार आदि में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर की तीव्र गणना क्षमता के कारण ग्रहों और उपग्रहों अंतरिक्ष की घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया जा रहा है। किंतु ग्रहों उपग्रहों में भी कंप्यूटर का विशेष प्रयोग हो रहा है। फिर संचार, आधुनिक संचार व्यवस्था कंप्यूटर के प्रयोग के बिना संभव नहीं है। टेलीफोन इंटरनेट ने संचार क्रांति को जन्म दिया। कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रभाव, कंप्यूटर के अनुप्रायोगिक प्रभाव निम्न स्थिति में पड़ सकते हैं। त्रुटि रहित कार, कंप्यूटर के प्रयोग में कार में त्रुटि की संभावना नगण्य हो जाती है। जो त्रुटि होती भी है वह गलत प्रयोग का परिणाम है, जिसे पहचान कर नहीं किया जा सकता। फिर समय की बचत, चूंकि कंप्यूटर के कार्य करने की गति अत्यंत तीव्र है, अतः मनुष्य द्वारा एक वर्ष में पूर्ण किए जाने वाले कार्यों को कंप्यूटर की सहायता से कुछ ही मिनट में किया जा सकता है। कार्य की गुणवत्ता, चूंकि कंप्यूटर प्रत्येक बार समान गुणवत्ता से कार्य करता है, अतः बार बार एक ही कार्य करने के पश्चात भी उत्पाद की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं होगा। बेरोजगारी, यह कंप्यूटर के विस्तृत अनुपयोग का एक नकारात्मक प्रभाव है। एक कंप्यूटर द्वारा सैकड़ों लोगों का कार्य किया जा सकता है, जिसमें लोगों की जीविका पर प्रभाव पड़ता है, परंतु विकल्प व्यवस्था और समुचित विकास द्वारा इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरी ओर कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार का सृजन भी किया जा सकता है। कागज की बचत, डाटा संग्रहण की इलेक्ट्रॉनिक विधियों के उपयोग और उसकी उनकी विशाल भंडारण क्षमता के कारण कंप्यूटर के प्रयोग से कागज की बचत संभव हो पाती है। अब कंप्यूटर की सीमाओं की बात करें। कंप्यूटर में स्वयं की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। यह केवल दिए गए दिशा निर्देशों के अंतर्गत कार्य कर सकता है, अतः यह बुद्धिहीन होता है। याद रखना, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर काफी महंगे होते हैं तथा इन्हें समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदलना ही पड़ता है। कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है, जो सूचना और निर्देशों को दूषित या समाप्त कर सकता है। ये वायरस कंप्यूटर की भंडारण क्षमता को प्रभावित करते हैं। हालांकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके कंप्यूटर को बचाया जा सकता है वायरस से। कंप्यूटर एक यांत्रिक मशीन है, जिसका कारण कंप्यूटर को क्रियाशील करने के लिए विद्युत एक अनिवार्य आवश्यक है। विद्युत के अभाव में कंप्यूटर एक डिब्बे के समान है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण तो हार्डवेयर प्रयोग के आधार पर, आकार और कार्य के आधार पर और कार्य पद्धति के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं। पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। अभी कुछ ही दिन पहले किसी पेपर में पूछ लिया था गवर्नमेंट एग्जाम के कि अभी करंट में कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर चल रहा है, तो आ गए कौन सी पीढ़ी आ गई, तो उसमें लिखा था चौथी, पांचवी, तीसरी और द्वितीय। तो याद रखना, पांचवी पीढ़ी तक के कंप्यूटर आ गए। बात करते हैं हम लोग कार्य के आधार, आकार और कार्य के आधार पर। आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, याद रखिए। हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर, हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण निम्न तालिका में दिया गया है। पीढ़ी हो गई, वर्ष हो गया, ये स्विचिंग युक्तियां हो गई, स्टोरेज युक्ति हो गई, गति हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विशेषताएं हो गई और भाषा हो गई और उपयोग हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेना है। पहली पीढ़ी 1940 से 56 तक वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, मैग्नेटिक ड्रम का स्टोरेज के रूप में, और गति 333 माइक्रो सेकंड होती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सीमित मुख्य भंडारण क्षमता है। मशीनी भाषा थी इसकी, बाइनरी नंबर 0 और 1। मुख्यतः वैज्ञानिक स्तर पर बाद में सामान्य व्यापार सिस्टम में जैसे एनिक, यूनिवेक और मार्क 3। याद रखिए, मंद गति से इनपुट आउटपुट होता था। तो फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था स्विचिंग युक्तियों में, और मैग्नेटिक
ड्रम का उपयोग किया जाता था स्टोरेज के लिए। आपको याद रखना है पहली पीढ़ी के कौन कौन से कंप्यूटर थे, एनिक, यूनिवेक और मार्क फर्स्ट। फिर आती है द्वितीय पीढ़ी 1956 से 63 तक, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा इसमें, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाने लगा, 10 माइक्रोसेकंड इसकी गति हो गई, मल्टीवेक रिमेनिंग या टाइम सेयरिंग इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ हुआ, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग होने लगा, व्यापक व्यवसाय प्रयोग इंजीनियरिंग डिजाइन में होने लगा, इन्फिनिटी फाइल का ऑपरेटिंग ठीक है, आकार उतार में कमी और तीव्र और विश्वसनीय। तो याद रखना है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर वर्ष 1956 से 63 तक और ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा, इसमें याद रखिए। फिर तीसरी पीढ़ी आती है 1964 से 71 तक, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग होने लगा, मैग्नेटिक कोर का प्रयोग होने लगा, 100 नैनो सेकेंड इसकी गति हो गई ठीक है, वास्तविक समय टाइम सेयरिंग इस ऑपरेटिंग सिस्टम इसका हो गया। चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुक्त भंडारण के रूप में उपयोग होने लगा, रिमोट प्रोसेसिंग इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो गए, इसकी भाषा है फोर्टून, कोबोल, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम आदि में, आईबीएम सिस्टम 360, एनसीआर 395, बी 6500 याद रखना, ये सभी इसी के उदाहरण है तीसरी पीढ़ी के। फिर हमारी चौथी पीढ़ी 1971 में आई है, बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा, सेमी कंडक्टर मेमोरी बेंचेस्टर का डिस्क का उपयोग होने लगा, 300 नैनो सेकेंड इसकी गति हो गई, टाइम शेयरिंग नेटवर्क का ऑपरेटिंग सिस्टम, मीटिंग कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई, विभिन्न भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माताओं के यंत्रों के बीच यह अनुकूलता जिसमें जिससे उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा ना रहे, इसकी भाषा थी फोर्टून 77, पास्कल एडीबी और कोबोल याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर व्यवसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग के लिए, इसमें के उदाहरण थे कंप्यूटर जैसे आईबीएम पीसी एक्सटी, एप्पल सेकंड, इंटेल 4000 4000। फिर है पांचवी पीढ़ी वर्तमान से आगे तक, सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट ऑप्टिकल डिस्क इसमें उपयोग होने लगा, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्पीच कैरेक्टर इमेज रिकॉग्नाइजेशन ठीक। अब आकार के आकार पर बात कर रहे थे हम लोग, मैन फ्रेम कंप्यूटर ये आकार में काफी बड़े होते हैं तथा इसमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या भी अधिक होती है, इसके कार्य करने और संग्रहण की क्षमता अत्यधिक अत्यधिक तीव्र और गति अत्यधिक तीव्र होती है, ये सामान्यतः 32 से 64 माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं, इस पर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं, इसका प्रयोग बड़ी कंपनियों, बैंकों, रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष आदि में क्षेत्रों में किया जाता है। फिर मिनी कंप्यूटर, ये आकार में मैन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, इसका आविष्कार 1965 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने किया, इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है, इस पर कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं, इसका प्रयोग यात्री आरक्षण बड़े ऑफिस कंपनी अनुसंधान आदि में किया जाता है। फिर है माइक्रो कंप्यूटर, इसका विकास 1970 ईस्वी से प्रारंभ हुआ जब सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा, इसका विकास आईबीएम कंपनी ने किया था, याद रखना माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ 1970 में, जबकि हुआ जब सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा, इसका विकास सर्वप्रथम आईबीएम कंपनी ने किया था माइक्रो ठीक है, इसमें 8 16 32 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी आई जबकि क्षमता कई गुना बढ़ गई, मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर की उपयोगिता को प्रत्येक क्षेत्र में पहुंचा दिया, इसका उपयोग घर, ऑफिस, विद्यालय, व्यापार, उत्पादन, रक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा आदि अनगिनत क्षेत्रों में हो रहा है। फिर माइक्रो कंप्यूटर के कई प्रकार होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर
लैपटॉप, पाम टॉप, वर्क स्टेशन, फिर आया सुपर कंप्यूटर। यह अब तक का सबसे अधिक शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर है। इसमें कई प्रोसेसर समांतर क्रम में लगे रहते हैं। सबसे शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर, इसमें कई प्रोसेसर समांतर क्रम में लगे रहते हैं। इस तरह इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और समांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। समांतर प्रोसेसिंग में किसी कार्य को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर उसे अलग अलग प्रोसेसर द्वारा संपन्न कराया जाता है। इस पर कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर के क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित क्रे फर्स्ट था। याद रखना है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर के रिसर्च कंपनी ने 1976 में क्रे फर्स्ट लॉन्च किया। इसका उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में तेल के खानों का पता लगाने, अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम विज्ञान, भूगर्भीय सर्वेक्षण, स्वचालित वाहनों के डिजाइन तैयार करने, कंप्यूटर पर परमाणु भट्टियों के सब क्रिटिकल परीक्षण आदि में किया जाता है। बात करते हैं हम लोग भारत में सुपर कंप्यूटर के बारे में। भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण पुणे महाराष्ट्र में सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटरिंग सी डेक द्वारा 1998 में किया गया था। तो याद रखना है आपको, भारत के परम सीरीज सुपर कंप्यूटर क्या है? भारत को परम सीरीज परम 10,000 का निर्माण पुणे महाराष्ट्र ने किया, पुणे महाराष्ट्र में हुआ, याद रखना। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग सी डेक द्वारा 1998 में किया गया, ये भी याद रखना। इसकी गणना क्षमता 100 गीगाफ्लॉप यानी 1 अरब गणना प्रति सेकंड दी थी। इस तरह के सुपर कंप्यूटर विश्व के कुल 5 देशों में, अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल और भारत। अनुपम सीरीज सुपर कंप्यूटर का विकास भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र वार्क द्वारा, जबकि पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ द्वारा किया है। तो परम का याद रखना CDEC ने, और इसका अनुपम सीरीज का पर भारतीय भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने, वार्क ने, और पेस का इसका DRDO ने। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अवयव या संरचना के बारे में। कंप्यूटर के विभिन्न घटक और एवं अवयव के मध्य संबंधों को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। कंप्यूटर की संरचना निम्न डायग्राम द्वारा समझा जा सकता है। जैसे इनपुट डिवाइस हो गए, एक डिवाइस, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इस तरफ आउटपुट डिवाइस हो गए। ठीक है, याद रखना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU किसे कहते हैं? CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। कई बार पूछा जा चुका है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो CPU, CPU आपको याद रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर से जुड़े अधिकतर उपकरण किसी काम को करने में CPU से संचार करते हैं। CPU की चिप की गति GHz में मापी जाती है। CPU की चिप की गति जितनी ज्यादा होती है उतना ही तेज चेरी से कंप्यूटर काम करता है। फिर आमतौर पर सेंट्रल पेंटियम की चिपों की गति 500 मेगाहर्ट्ज, 933 मेगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज और या और अधिक हो सकती है। कीबोर्ड, कीबोर्ड सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। पूछा जा सकता है कीबोर्ड क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। इसमें कंप्यूटर को इनपुट डाटा या सूचनाएं दिया जाता है। इसमें टाइपराइटर की तरह बहुत से बटन या कुंजियां होती हैं। इन कुंजियों को दबाकर कोई भी पाठ जैसे शब्द, संख्या, बहुत से चिन्ह टाइप किए जा सकते हैं। कुंजियों के ऊपर छपे चिन्हों से पहचाना जाता है कि कोई कुंजी किस कार्य के लिए है। माउस की बात करें तो माउस एक पॉइंटिंग उपकरण है जो आसानी से हाथों में फिट हो जाता है। माउस की सहायता से स्क्रीन पर दिखने वाले पॉइंटर, जिसे माउस पॉइंटर कहा जाता है, कि गतियों को नियंत्रित किया जाता है और साथ ही स्क्रीन से चुनाव भी किया जा सकता है। माउस के ऊपर भाग में 2 या 3 बटन लगे होते हैं। माउस का निचला हिस्सा समतल होता है और माउस की चाल पर पता लगाने की प्रणाली से युक्त होता है। फिर है विजुअल डिस्प्ले यूनिट BDU। जब कंप्यूटर पर कार्य किया जाता है तो दिए गए निर्देशों एवं प्राप्त परिणामों का प्रदर्शन मॉनिटर होता पर होता है। मॉनिटर को BDU या कंप्यूटर मॉनिटर भी कहते हैं। देखने में यह टेलीविजन की भांति होता है, परंतु कंप्यूटर्स के मॉनिटर विशेष प्रकार के बने होते हैं जिसमें एक लाइन में 80 अक्षर भी स्पष्ट प्रदर्शित होते हैं। BDU में टीवी की भांति कैथोड किरण ट्यूब का प्रयोग होता है। यह कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की सूचना देकर कंप्यूटर और उपयोगकर्ताओं के मध्य
संबंध करता है इनपुट डिवाइस, कोई भी डाटा या निर्देश जिसे आप कंप्यूटर की मेमोरी में डालते हैं उसे इनपुट कहते हैं। याद रखिए, जो भी आप कंप्यूटर में देते हैं उसे इनपुट कहते हैं। ठीक है, विभिन्न तकनीक के इस्तेमाल में यूजर्स इनपुट डाल सकते हैं। कीबोर्ड के जरिए कैरेक्टर टाइप किए जाते हैं, माउस की को क्लिक या रोल करके कंप्यूटर में निर्देश डाले जा सकते हैं, तथा माइक्रोफोन के जरिए आप बोल सकते हैं। खास उपकरण की मदद से आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिख सकते हैं। कुछ डिवाइस ऐसे हैं जिनकी मदद से आप कंप्यूटर की स्क्रीन को छूकर ही चुनाव कर सकते हैं। डिजिटल कैमरे, वीडियो कैमरे, स्कैनर के लिए के जरिए कंप्यूटर में चित्र डाले जा सकते हैं। इनपुट डिवाइस विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है, टच स्क्रीन, लाइट पैन, जॉस्टिक, टैग बॉल, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर्स, ऑप्टिकल मार्क, रीडर और वीडियो कॉन्फ्रेंस। याद रखिए, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस कौन या विद्युत यांत्रिकी युक्ति है जो कंप्यूटर से बाइनरी डाटा लेकर इसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डाटा में बदल देते हैं। कंप्यूटर यूजर की जरूरत और इस्तेमाल हो रहे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के आधार पर विभिन्न प्रकार के आउटपुट जनरेट करता है। आप कंप्यूटर द्वारा तैयार किए गए आउटपुट को देख, सुन और प्रिंट कर सकते हैं। अपने डेस्कटॉप के मॉनिटर पर देख कर आप स्क्रीन में सूचना देख सकते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे मॉनिटर, वीडियो कार्ड, स्पीकर, पेंटर, प्लॉटर, स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर। कंप्यूटर मेमोरी की बात करें, कंप्यूटर में मेमोरी को अहम भूमिका होती है। मेमोरी में वह डाटा जिसे प्रोसेस होना है, जो प्रोसेस हो चुका है, दोनों मौजूद होते हैं। ये मेमोरी डाटा, निर्देश और सूचना स्टोर करने की अस्थायी जगह होती है। प्राइमरी स्टोरेज कही जाने वाली यह मेमोरी का एक या कई चिप से बनी होती है, जो मदरबोर्ड या कंप्यूटर में किसी सर्किट बोर्ड में लगी होती है। मेमोरी कई प्रकार की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम को ज्यादातर मेमोरी कहा जाता है। इसमें मेमोरी चिप लगी होती है जिसे प्रोसेसर की मदद से पढ़ा और लिखा जा सकता है। जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल, स्टोरेज उपकरण जैसे हार्डवेयर डिस्क से लोड होकर रैम में आ जाते हैं। कंप्यूटर चलने तक ये फाइल रैम में ही रहती, कुछ अन्य प्रोग्राम और डाटा भी रैम में लोड हो जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, रीड ओनली मेमोरी, रोम। रोम स्टोरेज मीडिया की श्रेणी में आता है जिसका उपयोग कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। रोम में उपस्थित डाटा में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, यह अस्थिर नहीं होती है। कंप्यूटर क्लोज बंद हो जाने के बाद इसके कंटेंट्स खोती नहीं है। रोम की चिप में स्थायी डाटा, निर्देश, सूचनाएं होती हैं। फ्रैग कैश मेमोरी, यह मुख्य मेमोरी से आवश्यक डाटा को लाकर रखती है ताकि जरूरत पड़ने पर तीव्र गति से सीपीयू को प्रदान कर सके। यह मेमोरी यूनिट तथा कंप्यूटर की गति के मध्य तालमेल स्थापित करने का कार्य करती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका कार्य मूलभूत अंक गणितीय गणनाएं करना, जोड़ घटाव, गुणा भाग तथा कुछ लॉजिकल कार्य, बराबर की बराबर, कम है या अधिक है संपादन करना, यह कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। फिर है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉन्सेप्ट। कंप्यूटर मूल रूप से दो घटकों, कंपोनेंट से निर्मित होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। किसी भी कंप्यूटर से उपयोगी कार्य करने के लिए जरूरी है कि उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर परिसर एकजुट होकर कार्य करें। इसलिए कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में विशेष संबंध होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इन दोनों में किसी एक की भी अनुपस्थिति में कंप्यूटर से कोई भी आवश्यक कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक, तरह हार्डवेयर, कंप्यूटर के वे सभी भाग जिनको देखा या स्पर्श किया जा सकता है हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के बाहर एवं अंदर के सभी भाग, कंप्यूटर की आउटपुट, इनपुट डिवाइस आदि सभी हार्डवेयर हैं। ये डिवाइस जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं स्टैंडर्ड डिवाइस कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क आदि। इसके अतिरिक्त वे डिवाइस जिनको कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, माउस, पेंटर, लाइट पेन, प्लॉटर आदि प्रीफेरल डिवाइस कहलाते हैं। फिर है सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर तथा उससे जुड़ी डिवाइसों से कार्य लेने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर ना तो देखे जा सकते हैं और ना ही इन्हें स्पर्श किया जा सकता है। कंप्यूटर भाषाओं में तैयार किए गए कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए एक विधिवत एवं व्यवस्थित निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर
अथवा प्रोग्राम कहते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक अथवा एक से अधिक प्रोग्राम का समूह होता है जो किसी विशिष्ट प्रकार के एप्लीकेशन के विभिन्न ऑपरेशन को संपादित करने के लिए डिजाइन किया गया होता है, जैसे वर्ड प्रोसेसर। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक अथवा एक से अधिक प्रोग्राम का समूह होता है जो कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाविधि को नियंत्रित करता है या कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज की का विभिन्न प्रोग्राम द्वारा किए जा रहे उपयोगों को नियंत्रित करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की प्रमुख भाषाओं की बात करें, कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को नहीं समझ सकता। इसके लिए प्रोग्राम विशेष प्रकार की भाषाओं में लिखे जाते हैं। इन भाषाओं को प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा कराए जाने वाले अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया है। प्रोग्रामिंग भाषा की बात करें तो निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, इसमें मशीन भाषा है और असेंबली भाषा है। उच्च स्तरीय तो विधि बहुमुखी भाषा है और समस्या अभिमुखी भाषा है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं के बारे में। कुछ उच्च स्तरीय भाषाओं तथा उनके अनुप्रयोग क्षेत्र। फोरटेन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, 1957 में आई। इसके विकासकर्ता थे प्रोग्रामर्स की एक समूह ने बेल प्रयोग में विकसित की थी। गणितीय क्षेत्र के लिए, विशेषकर गणनाओं के लिए होती है फोटोन, फोरट्रेन फॉर्मूला। फिर एल्गो, एल्गोरिथम लैंग्वेज 1958 में आई। यूरोपीय तथा अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने सामूहिक रूप से विकसित की। वैज्ञानिक के अनुप्रयोग के लिए होती है लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग 1958 में आई। जॉन मेकार्थी ने MIT इंस्टीट्यूट में विकसित की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के क्षेत्र में प्रयोग होती है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज 1969 में आई। ग्रेस ह्यूबर ने विकसित की बिजनेस उद्देश्य के लिए। ठीक, याद रखिए। बेसिक, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबोलिक इंस्ट्रूमेंट कोड 1964 में जॉन जी केमिनी और ई कोटर ने। डर्टमाउथ कॉलेज न्यू हैम्पशायर में विकसित की। शैक्षणिक कार्य के लिए पास्कल 1970 में। निकोलस बेथ ने विकसित की शिक्षण कार्य के लिए सी 1972 में आई। डेनिस रिची ने बेल प्रयोगशाला में विकसित की सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए C++ 1983 में आई। बजार ने स्टेप ने बेल प्रयोगशाला में विकसित की थी सिस्टम ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग के लिए। थ्राइज जावा, जावा 1995 में आई, याद रखना। जेम्स गोसलिंग ने सन माइक्रोसॉफ्ट में विकसित की माइक्रो सिस्टम में इंटरनेट आधारित प्रोग्रामों के क्षेत्र में। ठीक है, बेसिक कबाई 1964 में, पास्कल 1970 में, सी 1972 में, C++ 1983, जावा 1995। डाटा सूचनाओं का रिप्रेजेंटेशन, डाटा रिप्रेजेंटेशन के मूल एवं प्रमुख घटक हैं रैम इत्यादि। ट्रांजिस्टर से निर्मित होते हैं ये अनेक इंटीग्रेटेड ग्रेटेड सर्किट ICS से निर्मित होते हैं जिनमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं तथा ये ट्रांजिस्टर दो ही दशा में कार्य करते हैं, ऑन ऑफ। सूचना डाटा का प्रोसेस्ड रूप है, डाटा को प्रोसेस्ड करके ही सूचना प्राप्त होती है। टाइम टेबल कथा में सर्वोच्च अंक, मेरिट लिस्ट तथा प्रत्येक छात्र के अंकों का प्रतिशत। कंप्यूटर द्वारा डाटा के विश्लेषण के उपरांत किए गए परिणाम को सूचना कहते हैं। फिर डाटा प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट, डाटा को हेर फेर करने की प्रक्रिया जिसके द्वारा डाटा को अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत वे सभी उपकरण एवं प्रोजी जैस आते हैं जो डाटा को प्रोसेस कर वांछित परिणाम देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में विभिन्न प्रकार के इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस एक कंप्यूटर से आपस में जुड़े होते हैं और एक के साथ एक मिलकर डाटा प्रोसेस करते हैं। इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन और ओरिजिनेशन स्टोरेज फ्रेश। इस तरह आगे बात करते हैं IECT के कॉन्सेप्ट। भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी IECT की महत्व और देश के आर्थिक विकास में इसकी भूमिका को पहचाना और इसके परिणाम स्वरूप जून 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स DOE
एवं फरवरी 1991 में इलेक्ट्रॉनिक कमीशन की स्थापना की। तो याद रखिए डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कब बना, 1970 में, और इलेक्ट्रॉनिक कमीशन 1991 में। सरकार द्वारा IECT का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। ई गवर्नेंस, गवर्नेंस अथवा शासन, सामाजिक शासन नागरिकों के हितों, कानूनी अधिकारों और दायित्वों की अभिव्यक्ति सहित देश के राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक मामलों से संबंधित। IECT का उपयोग केंद्र एवं राज्य स्तर पर सरकार द्वारा शासन को सहज एवं स्वचालित बनाने के लिए किया जा रहा है। इससे न केवल सरकार की काम करने की क्षमता बढ़ी है, वरन सरकार के काम में पारदर्शिता भी आई है एवं जनता से बातचीत भी बढ़ी है। काम में पारदर्शिता के कारण सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। ई गवर्नेंस के अंतर्गत ई एडमिनिस्ट्रेशन, ई सर्विसेज, ई डेमोक्रेसी आते हैं, जिनका उपयोग भारत सरकार के प्रशासनिक विभागों, जिला न्यायालय, तहसील, परिवहन विभाग आदि में किया जाता है। मल्टीमीडिया और मनोरंजन, मल्टीमीडिया विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन और वीडियो का समूह होता है, जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को आकर्षक तरीके से प्रयोग करने के लिए किया जाता है। मल्टीमीडिया का प्रयोग सामान्यतः विभिन्न प्रकार के उद्योगों, शिक्षण एवं मनोरंजन के कार्यों के लिए किया जाता है। मल्टीमीडिया के माध्यम से हम यूजर इंटरैक्शन बढ़ा सकते हैं तथा अपनी बात को यूजर तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। मल्टीमीडिया को उपयोग में लाने के लिए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, जैसे CD-ROM, ड्राइव, साउंड कार्ड, माइक्रोफोन, कैमरा। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मनोरंजन के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को एक इंटरटेनमेंट टूल की तरह प्रयोग करने में सहायता करते हैं, जैसे वीडियो गेम और इंटरैक्टिव टेलीविजन। ठीक, चलिए, तो ये था हमारा कंप्यूटर से संबंधित फर्स्ट चैप्टर, जिसमें सामान्य जानकारी दी गई थी। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जो भी तथ्य, ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे। ठीक है।